using first principle of differentiation. Find the derivative of tan x. तो देखिए f of x कितना tan x है. अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू थोड़ा बढ़ाएंगे, y small वैल्यू डेट है ना. तो जब इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0, f of x plus डेट x क्या हो जाएगा, tan of x plus डेट x हो जाएगा, है ना. तो फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन, ये क्या है, जिसे जिसे मैथ मैथ है, तुम्हें क्या बोलते हैं डिफरेंशिएशन किस में मैथ मैथ. तो डिवाइड बाय डीएक्स क्या होगा, तो फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन डिवाइड डीएक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू लिमिट डेट एज टेंड इनटू जीरो, डेट एज टेंड इनटू जीरो या फॉर x plus delta x minus f of x upon delta x, ठीक है. तो जगह लिमिट delta x tend into 0 tan of x plus delta x minus tan of x upon delta x, ये है ना. अब इसको सिंपलीफाई करना है तो देखिए tan इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखिए तो कितना हो जाएगा, tan x plus 0 minus tan x, tan x plus 0 minus tan x, तो लिमिट delta x tend to 0 डायरेक्ट वैल्यू रखेगा तो ये क्या होगा, tan x minus tan x upon 0, ये हो जाएगा 0 by 0, 0 by 0 ना. तो 0 by 0 इज अनडिफाइंड नंबर, ये क्या है, अनडिफाइंड नंबर है. इसलिए क्या करते हैं हम उस फैक्टर को हटाएंगे जो इसको अनडिफाइंड कर रहा है. इसको अनडिफाइंड करने वाला फैक्टर कौन है, बताइए, डेटा एक्स है. नीचे जीरो नहीं आना चाहिए, ऊपर जीरो आ सकता है, ठीक है. तो नीचे तो जीरो लगा रहा, डेटा एक्स लगा रहा, इसलिए डेटा एक्स को हटाना पड़ेगा. तो डेटा एक्स को हटाने के लिए क्या करते हैं, टेन को जो है साइन ऑफ कॉस में ब्रेक कर लेते हैं, साइन कॉस में ब्रेक कर लीजिए तो क्या मिल जाएगा, बताओ, मिल जाएगा लिमिट डेटा एक्स टेंड इनटू 0 साइन ऑफ एक्स प्लस डेटा एक्स अपॉन कॉस ऑफ x plus delta x minus क्या हो जाएगा, sin of x upon cos of x हो जाएगा, ठीक है, whole upon delta x हो जाएगा, ठीक है. अब उसको आते हैं LCM ले लीजिए, LCM लीजिए क्या हो जाएगा, limit delta x tend to 0 और sin of x plus delta x into cos of x minus cos of x plus delta x into sin of x upon whole upon cos of x plus delta x into cos of x plus delta x, ठीक है. तो देखिए ऊपर किसका फॉर्मूला बताइए, ये sin a cos b minus cos a sin b, तो sin a minus b का फॉर्मूला है. ऊपर क्या है, sin a minus b का फॉर्मूला बन रहा है ना, ठीक है. सुपर साइन है और इनटू डेटा एक्स आपका रहेगा, डेटा एक्स यहाँ पर आलरेडी लिखा जाएगा, ठीक है. अब ऊपर जो है लिमिट डेटा एक्स टेंड इनटू 0 ये साइन ऑफ एक्स प्लस डेटा एक्स माइनस एक्स हो जाएगा, ए की प्लेस पर एक्स प्लस डेटा एक्स है, बी की प्लेस पर एक्स है, तो साइन ए माइनस बी का एक्सपेंशन है, तो साइन एक्स प्लस डेटा एक्स माइनस एक्स हो गया. होल अपॉन क्या हो जाएगा, डेटा एक्स हो जाएगा इंटू कास करने वाला कर लेते हैं, तो कास ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स इनटू कास ऑफ एक्स, ठीक है. अब देखिए प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स टेंड इनटू 0 साइन ऑफ डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स इसका ले लिया क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी ना, और डेल्टा एक्स को डिफाइन नंबर से हटाना है, तो साइन डेल्टा ना साइन लिमिट डेटा एक्स इंटू 0 साइन ऑफ डेटा एक्स अपॉन डेटा एक्स एक डिफाइन नंबर देगा. इस टाइप से आपका जो टर्म अनडिफाइन कर रहा था, जो फैक्टर अनडिफाइन कर रहा था, वो डिफाइन फैक्टर से हट जा रहा है ना. अब उसका देखें लिमिट इसके साथ कर देंगे, इसके साथ कर देंगे क्योंकि लिमिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ लिमिट ऑफ फंक्शन है ना, इसके अकॉर्डिंग जो है लिमिट आपके इन दोनों टर्म के साथ भी हो जाएगी. तो लिमिट डेटा एक्स टेंड इनटू 0
यहाँ वन लिख लीजिए, वन इंटू वन अपॉन कॉस ऑफ एक्स प्लस जीरो इंटू कॉस ऑफ एक्स हो जाएगा, वन अपॉन हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, तो वन अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स की वैल्यू क्या हो गई सेक स्क्वायर एक्स। एक फॉर्मूला आपको ये